सस्ते दर पर जो है भोजन मिलना है, 40 रुपया में भर पेट खाना यहाँ पर, नहीं तो वही 1 साल से खाना नहीं मिल रहा। 1 साल से नहीं मिल रहा खाना? आखिर किस कारण से जो है, क्यों लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है? नगर परिषद को उसका प्रॉपर रूप से केयर करना है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है तो उनका अगर शिकायत किया जाए तो लगता है जैसे सरकारी काम है बहुत लेट से होगा, कोई प्रोसेस का कोई असर नहीं होता। जैसे ये पंखा है 1 साल से चल रही है तो इसमें मतलब फुल स्पीड चलती है पर इसमें हवा नहीं है। इनको अच्छा। बोले कितने दिन हुआ पर कोई इनको चेंज करने पे ध्यान नहीं। गर्मी में ये फालतू ही चलता है पर कोई कंडेंसर कैसे चेंज होगा उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एचडीएफ लाइव इंडिया और मैं हूँ राजेश सिन्हा। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के पास बैठा हूँ जिन्हें लोग सितारा कहते, उगता हुआ सूरज कहते, उम्मीद कहते हैं। बावजूद इसके इनके समय में निर्मित कई स्थलें रो रही है, बिलख रही है, लगता है अनाथ हो गया। आज हम बात करना चाहते हैं उस आश्रय स्थल की जिसका जर्रा जर्रा यह बता रहा है, यह कह रहा है कि मुझे बचा लो। हम ये नहीं करें जमीन दोज जाएगा। नमस्कार, मनोज कुमार का नाम। बताइए, आपने बलवाही बस स्टैंड में जो आश्रय स्थल बना है उसका निर्माण कब करवाया था? ये तो वर्ष जो है 16-17 का आसपास का योजना है और बनने में कुछ टाइम लगा। बना भी अच्छा बना, उद्घाटन हुआ और मुख्य रूप से आश्रय स्थल जो है ये जो राहगीर हैं या फिर जैसे अभी ठंड का मौसम है, कोई लोग को जाना है बेलदौर, कोई लोग को कहीं जाना है या फिर रिक्शा वाला है, कोई वाहन चालक है, उसको रहने का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आश्रय स्थल पर रहने के लिए जो है बिछावन, बेड, भोजन सस्ती दर पर जो है, वहाँ सस्ते दर पर जो है भोजन मिलना है, 40 रुपया में भर पेट, ये सब व्यवस्था है और हम लोग किए थे, चालू किए थे, सब लोग को सुविधा मिल रही थी। इधर कुछ दिन से हम वहाँ गए ने उधर गए ने कि क्या स्थिति में है, आप ही बताइएगा कि अभी क्या स्थिति आप में, मतलब वहाँ की जिम्मेदारी से क्या मुक्त हो गए? जिम्मेदारी से शहर के तो पूर्व नगर सभापति है, शहर के एक नागरिक के हैसियत से भी कोई मुक्त नहीं हो सकता है और हम राजनीति में है तो हमारी भी जिम्मेदारी है सभी चीज़ों पर नज़र बनाए रखना। कुछ दिनों से हम लोग नहीं जा सके हैं, अब कोई उस बीच में गए थे बाढ़ के समय, तो बाढ़ के समय में बाढ़ से विस्थापित लोग उसमें रह रहे थे, तो उस समय तो जो पहले तो आपदा के समय जो पीड़ित लोग है उसका उसको देखना है, तो उस समय आपदा पीड़ितों का सेवा वहाँ हो रहा था। तो आश्रय स्थल का जो मूल थीम है उस समय नहीं देख पाए। अभी अभी की जो स्थिति है कि वहाँ मतलब जाने वाले लोगों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और अगर ये शिकायत आप तक नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई अवरोध तो मतलब पैदा हो रहा है, अगर आप तक शिकायत आती है तो आप क्या करें? नहीं नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आंदोलन होगा, जो लोग जिम्मेवार है उस पर की जिम्मेवारी तय की जाएगी कि आखिर किस कारण से जो है, क्यों लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। सुविधा देना है, नगर परिषद को उसका प्रॉपर रूप से केयर करना है, उसको देखना है नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। और जो लोग नगर में जनप्रतिनिधि है वर्तमान में जो लोग हैं वो लोगों की जिम्मेवारी है इसको देखना, उसका समय समय पर जो है निरीक्षण करना, सुविधा लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो कैसी सुविधा मिल रही है, उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, ये सब देखना है। नाम ही उसका है आश्रय स्थल,
कहीं नहीं आश्रय है तो वहाँ आप रहिए, वहाँ सब व्यवस्था है। हमारे संवाददाता ने वो आश्रय स्थल के अंदर जाकर पूरी स्थिति परिस्थिति को देखा, लगता नहीं कि आश्रय स्थल जो आश्रय ये जो नाम है उसके अनुरूप काम तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो लोग जो है जिम्मेवार, आप बता रहे हैं आपके माध्यम से जान रहे हैं, हम भी देखते हैं, एक विजिट करते हैं, उसको देख करके बता ये करते हैं कि क्या कहाँ दिक्कत है, जो दोषी लोग हैं उस पर उसको करना है, जिम्मेवारी से कोई कैसे भाग सकता है। नमस्कार, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के बलवाहे स्थित आश्रय स्थल में। तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये है चमचमाता हुआ एक आश्रय स्थल आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो चमचमाती हुई तस्वीर आपको बाहर से दिख रही, अंदर भी क्या वही चीज है, यह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आश्रय स्थल में आज क्या कुछ व्यवस्था है वह हम जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीर जरा दिखाइएगा, ये है शिलापट। तस्वीर में देखिए, यहाँ पर श्रीमती सीता कुमारी, श्री मनोहर कुमार यादव जो लिखा हुआ है इस पर, श्री सुनील कुमार पटेल, श्रीमती बबीता, लोगों के रीजन में ये आश्रय स्थल बना था। लेकिन इन लोगों के रीजन में जब बना था उस समय की क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या टेकर भी होंगे वह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कौन है भैया यहाँ पर, आप हैं यहाँ पर, आज की सूची में क्या है, देखते हैं भैया। तस्वीर में साफ तौर पर देखिए 9 लोग। जी हाँ। अच्छा, क्या फैसिलिटी आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर एगो सोने वाला थे, एगो बेडशीट है, गद्दा है, तकिया है। अच्छा, ये सारे चीज है, कंबल भी है। कंबल भी है जी। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम यहाँ से ऐजा काम कर रहे हैं 2 महीना से। 2 महीना से जी। अच्छा, मतलब परमानेंट है यहाँ पर या टेम्पररी? आप टेम्पररी है, परमानेंट कोई नहीं यहाँ पर है। टेम्पररी है जी हाँ। क्या नाम है आपको, वापस बताइए? देवेंद्र कुमार। घर मलवाई बस स्टेशन खरिया। यही जी। अच्छा, आप देख रेख करते हैं पूरा आश्रय स्थल का? जी। आइए जरा अंदर की तस्वीर हमें जरा दिखाइएगा। क्या भैया, कहाँ से आप? हमारा घर संतोष पड़ता है। संतोष, यहाँ पर यहाँ काम करते हैं। काम करते हैं हाँ। मतलब आप कहीं जाने आने वाले लोग हैं या परमानेंट यहीं पर रहते हैं? नहीं, रहते हैं यही रहते हैं। नहीं तो काम करते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी हाँ। क्या रोज आके यहाँ पर आराम फर? आराम कर फरवाते हैं रोज। ये 10 दिन से आते हैं। 10 दिन से रोज आते हैं हाँ। अच्छा चलिए, मतलब ये व्यक्ति यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। फिलहाल तस्वीर जरा ऊपर की तस्वीर दिखाइएगा जरा, ये है आश्रय स्थल की तस्वीर, जरा ये सारे चीज जरा दिखा दीजिएगा। ये है यहाँ का कंडीशन की तस्वीर। और थोड़ा आगे चलिए, आगे भी हम चलेंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं। साफ सफाई की अगर बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर पान की पिड़की आपको नजर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। इधर भी दिखाई, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा तस्वीरों में साफ तौर पर। हम थोड़ा आगे चलते हैं, ऊपर आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ व्यवस्था क्या है वह हम आपको दिखाने का आज हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर है सोए हुए नजर आ रहे हैं, काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, जो लिस्ट दिखाया गया था। कहाँ से आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से, और कब से हैं आप? ये तो आज ही आया है। आज ही आए हैं। अच्छा, आप लोग को कुछ चादर वादर नहीं दिया गया क्या? नहीं, चादर वादर सब कुछ है, वो तो सब कुछ है, लिया नहीं है मैंने अभी तक। लिया नहीं। लोगों से बात करने से पहले, ये शौचालय की तस्वीर है, ये जरा दिखा दीजिए शौचालय थोड़ा। इधर ये शौचालय की तस्वीर है, ये देखिए शौचालय, ये है तस्वीर। और यहाँ पर 5-6 शौचालय, पुरुष स्नान घर और शायद महिला स्नान घर भी है या नहीं ये पता नहीं, हम देखते हैं एक बार। एक मिनट, ओनली पुरुष स्नान घर है, महिला के लिए स्पेशल कुछ नहीं है क्या? नीचे है। अच्छा चलिए, बता रहे हैं वो नीचे है। वॉश बेसिन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये बंद है दोनों, एक किसी से भी पानी नहीं निकल रहा। कब से ऐसा है? कब से ऐसा है? हम जब से आए तब से देख रहे हैं, तब से वैसा ही है। आप किसी को बोले नहीं कि यहाँ पर ये व्यवस्था है, यहाँ पर वॉश बेसिन चालू नहीं है? बोले हैं। किसको बोले थे? मैनेजर साहब। मैनेजर कौन है? मैनेजर है कौन, नाम क्या उसका? थे, अभी छोड़ दिए। छोड़ दिया, अभी कोई मैनेजर कोई नहीं यहाँ पर? नहीं। आप ही मैनेजर है? नहीं नहीं। फिर कौन है? था रानी देवी, छोड़ दिया। रानी देवी, चलिए कोई पूर्व में कोई रानी देवी मैनेजर थी, अब वो है नहीं। भैया कहाँ से आप?
भागलपुर से। भागलपुर से कब आए यहाँ पर? हम यहाँ एक साल से, मतलब आते हैं जाते हैं, मतलब एक साल से आते जाते रहे। आते जाते। अच्छा, क्या मतलब छात्र हैं आप क्या? नहीं, हम मतलब टैटू बनाते हैं गांव गांव घूम के। अच्छा, तो ज्यादा लेट हो जाती है तो इधर रुक जाते हैं। अच्छा। क्योंकि भागलपुर डेली आना जाना नहीं हो पाता। अच्छा, मतलब ये अपने काम से आते हैं, टैटू का काम करते हैं, लेकिन ज्यादा अगर लेट होती है तो यहाँ पर वो आश्रय लेते हैं। चलिए, सबके अपने अपनी तकलीफ। एक व्यक्ति सोए हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर 40 रुपये में खाना, और यहाँ पर एक दो व्यक्ति और हैं। क्या भाई साहब, कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से। अच्छा, आप लोग साथ में ही है क्या? छात्र है क्या आप लोग? हाँ। कब यहाँ पर आए? हम आए शाम को ही। शाम को ही। अच्छा, यहाँ पर खाना वगैरह की कुछ व्यवस्था आपको दिखे? नहीं, खाना वगैरह रात है, रात 12 बजे गाड़ी है, सामने जाएंगे होटल में खाने के लिए। होटल में जाइएगा। यहाँ भी बताया जा रहा है, यहाँ भी व्यवस्था है, 40 रुपया प्लेट, अच्छा पेट भर खाना मिलता है। अगर वो फैसिलिटीज अगर यहाँ है तो फिर उसका फायदा क्या? हमको इसका पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं, पता नहीं गया यहाँ पर? नहीं, बताया नहीं गया, हमको पता भी नहीं। पता भी नहीं। खाना वाना मिलता है इन लोगों को? पहले मिलता था, अभी बंद है। कितने दिन से बंद है? हमको पता नहीं, बंद है। क्या पता है बताइए, यहाँ से क्या पता है? खाना यहाँ पर नहीं तो वही, 1 साल से खाना नहीं मिल रहा। 1 साल से नहीं मिल रहा खाना? आप तो 2 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल की बात कर रहे हैं आप? उधर भैया। हाँ, आप तो 1 साल से आना जाना है। खाते हैं होटल से, खाते हैं 60 रुपये में अपना। 60 रुपये में? अच्छा, यहाँ खाना कभी नहीं बनता है? नहीं बनता है? नहीं। अच्छा, देखिए, ये 1 साल से आना जाना इनका लगा हुआ है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि मतलब 60 रुपये में खाना वो बाहर किसी होटल से खा लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो विधि व्यवस्था है खाने की वो नहीं है, और शायद बनता है या नहीं बनता ये भी कहना मुश्किल है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है तो उनका अगर शिकायत किया जाए तो लगता है जैसे सरकारी काम में बहुत लेट से होगा, कोई प्रोसेस का कोई असर नहीं होता। जैसे ये पंखा है, 1 साल से चल रही है, तो इसमें मतलब फुल स्पीड चलती है पर इसमें हवा नहीं है। इनको बोले कितने दिन हुआ पर कोई इनको चेंज करने पे ध्यान नहीं। गर्मी में ये फालतू ही चलता है पर कोई कंडेंसर कैसे चेंज होगा उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब शिकायत है, इनकी शिकायत को सुनी नहीं जाती है, मतलब कह सकते हैं कि राम भरोसे हिंदू होटल, ऐसा कुछ कह सकते हैं। देखिए, ये नई दीवार को मतलब कह सकते हैं एक तरह से पूरा सत्यानाश ही कर दिया है। मतलब सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी अगर उसकी निगरानी में भी अगर थूका जाए तो ये इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। वैसे अनपढ़ जाहिल लोग भी आते हैं यहाँ पर। स्थल का ये टॉप फ्लोर पे हमने एंट्री किया है, टॉप फ्लोर पर कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आ रहे, ना बेड वेड नजर आ रहा, लेकिन चौकी जरूर आपको नजर आ रहा होगा, काफी संख्या में चौकी है यहाँ पर। जरा ये तस्वीर दिखाइएगा, ये कब या ये एक्सपायर है या कब का है ये पता नहीं, 2024। अच्छा, ईयर ऑफ MFZ 2024 लिखा हुआ। चलिए, ये मतलब काम का है फिलहाल, और काम का है ये गोदरेज ऐसे रखा रहता है यहाँ पर आता है बाहर से लोग सामान रखने के लिए, कम आता है जो रोज दिन आने जाने कम रहता है। अच्छा, लोगों को मदद। किसी का सामान इसमें रखते हैं आप लोग? रखवाते हैं या नहीं रखवाते? रखते हैं, रखवाते हैं। ये है यहाँ पर, देखिए आपको गद्दा वगैरह नजर आ रहा है, ठीक है, गद्दे की कंडीशन ठीक है, थोड़ी फटी है लेकिन ठीक है कंडीशन। और ये आपको कंबल नजर आ रहा है, कंबल ठीक है, रात कट सकती है। और ये मच्छरदानी है, और ये आपको तकिया वगैरह नजर आ रहा है, सारे चीज। फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर आपने देखा ही, लेकिन व्यवस्था थोड़ा सा चौकी दिखाइएगा भैया, चौकी में बहुत सारा छेद नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, चौकी टूटी हुई है, मुश्किल से एक दो बल्ब जल रहा है, बाकी का सब किसी में बल्ब वगैरह नहीं है। और यहाँ पर पर्दा वगैरह भी नहीं है, ये सब में पर्दा होना चाहिए, पर्दे भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसका शीशा निकल गया है। चलिए, और कुछ व्यवस्था देखते हैं यहाँ पर। ये साइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक भी खिड़की में, मतलब आपको सिर्फ एक खिड़की में पर्दा है, बाकी के किसी में पर्दा नहीं है, और सिर्फ एक बल्ब है वहां पर लगा हुआ, एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ, मतलब 2 बल्ब के भरोसे पूरा हॉल चमचमाता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। और ये है बाहर का कॉरिडोर कह सकते हैं, कृषि ये कॉरिडोर है। अच्छा, दिखाइए कॉरिडोर की तस्वीर, यहाँ से आपको पूरा बलवाही का नजारा दिख रहा होगा। तो एक चीज और है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये बल्ब है, ये कभी ये जल नहीं रहा है, यहाँ नहीं जल रहा, ये नहीं जल रहा है, सिर्फ वो लास्ट वाला जो है एक बल्ब जल रहा है, बाकी सारे बल्ब यहाँ पर आपको खराब नजर आ रहा है। तो आखिर
ये जो विधि व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने की जरूरत है। क्या कुछ व्यवस्था है और यहाँ पर लाइट वगैरह है या नहीं है? तो ये है टेरेस की तस्वीर जहाँ पर आपको पूरा बलवाही तो नजर आ रहा होगा लेकिन टेरेस पे पूरा अंधेरा है और यहाँ पर टंकी ये खुला हुआ है, काफी समय से खुला हुआ है। ये पीने का भी काम आता है क्या? हाँ यही पानी आती कैंटारो लगा है जो आते हैं लोग रुकते हैं ओकरा पीने के लिए पानी सफा हो जाता है। अच्छा कैंटारो से ये यही पानी उसमें जाता है और प्यूरिफाई हो जाता है? जी हाँ फिल्टर पर। फिल्टर तस्वीर दिखा दीजिएगा। यही पानी कहीं ना कहीं पीने के लिए बताया जा रहा है देखिए। और एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे भैया, सुनने में आया यहाँ पर असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा यहाँ पर नशा भी किया जाता है क्या? नहीं नशा यहाँ पर कोई नहीं करता, यहाँ पर कोई नशा करके नशा जो करते हैं यहाँ से बाहर रहते हैं, नशा करने वाला कोई नहीं आता सर। तो नशा करके अंदर आता है क्या? नहीं नहीं नशा कर इन्वेंटरी है नहीं है, कोई नशा वाला भी नहीं करता सब बाहर। अच्छा उम्मीद की किरण मनोहर यादव ने जगाई थी, लगता नहीं है कि वर्तमान समय में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नगर परिषद का उस उम्मीद की किरण को जगाए रखेंगे। खैर देखने वाली बात होगी आगे आगे होता है क्या।